जैसा कि हम जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर और टीचिंग की क्वालिटी पर, स्कूल टीचिंग की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। उसके रिलेशन जो टीचर एजुकेशन से है, साथ में ही टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एम्फेसिस किया गया है और डायरेक्शन दी गई है। एक डायरेक्शन उसमें ये थी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स तैयार करे, तो वो प्रोग्रेस में है और उसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स NPST का आ चुका है, जिसको आपके सुपुर्द किया गया है 1 मंथ के लिए कि आप उस पर फीडबैक दें। तो मैं ये नहीं मानता कि इंडिया इतनी बड़ी फीडबैक देगा कि फर्स्ट ड्राफ्ट बेसिकली चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि अगर आप फीडबैक देते भी हो तो 10 से 20 या 15 या 5% इसमें चेंजेस आएंगी और इससे ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट में आ चुका है वो चेंजेस टीचर को अपने कैरियर में हर हालत में फेस करनी पड़ेगी, और ये चेंजेस फर्स्ट टाइम है इतनी बड़ी चेंजेस। अक्सर क्या होता है कि जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट सिलेबस में आ जाता है, पीटेट सीटेट यूजीसी नेट या किसी में टीचिंग प्रोफेशन के किसी भी सिलेबस में आ जाता है, तो हम उसको ऐसे झपट पढ़ते हैं। तो अभी तक ये सिलेबस में नहीं होगा तो कोई इसको देखेगा नहीं। मेरे अनुसार टीचर, टीचर एजुकेटर और उससे जुड़े स्टेक होल्डर जिसका टीचिंग प्रोफेशन पर, जैसे कि पेरेंट्स कम्युनिटी, उनका प्रभाव है, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बेसिकली मैं ये डिस्कस करूंगा कि NPST में टीचर्स कैरियर में मेजर चेंजेस जो क्या आने वाले हैं, और ये चेंजेस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार किए गए हैं। तो फर्स्ट ड्राफ्ट है, इस पर आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हो। मेरे ख्याल में इसको यहाँ पर कर लें ऐसे, यहाँ, और ये रहा सेकंड। ठीक, तो सारा ये डॉक्यूमेंट 55 पेजेस के करीब है, तो सारा डॉक्यूमेंट डिटेल में डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसी क्रक्स सिर्फ वो पार्ट डिस्कस करूंगा जिसका आपके कैरियर से, हमारी टीचिंग प्रोफेशन से, टीचर की जो प्रेपरेशन है, टीचर ने तैयार होना है, टीचर को चैलेंजेस जो आएंगे, टीचर की प्रमोशन कैसे होनी है, टीचर को ने जो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट अब कैसे होनी है, उसकी बातें इसमें हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को सबसे पहले अगर समझना चाहते हैं हम, तो स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। अगर लर्निंग के हिसाब से देखा जाए तो इसमें डिफाइन किया गया है कि लर्निंग आउटकम्स स्टैंडर्ड है। अगर इसको प्रोफेशनल या ऑक्यूपेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना है तो इसको डायमेंशंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज कहा गया है, इस पर फोकस करना चाहिए। डायमेंशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज मीन के टीचर का नॉलेज क्या है, उसके बिलीफ कैसे हैं, उसकी एबिलिटीज कैसी हैं, उसकी वैल्यूज कैसे हैं, उसके एटीट्यूड कैसे हैं। जब उसमें पॉजिटिव चेंज आ जाता है तो नेक्स्ट लेवल में टीचिंग कैरियर में वो जा सकता है। आगे जाके ये डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड टर्म का मतलब है डायमेंशंस ऑफ कॉम्पिटेंसीज। ओके, दूसरा, ये कॉम्पिटेंसीज जो ये स्टैंडर्ड होंगे, ये टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए प्रोफेशनल परफॉर्मेंस हो गए। इसी स्टैंडर्ड को यूज किया जाएगा कि किस टीचर टीचर का जो लेवल कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 4 लेवल हैं, आगे जाके बात करता हूं। तो ये स्टैंडर्ड को 2 तरह से यूज किया जाएगा, एक तो डायमेंशंस ऑफ कॉम्पिटेंसेस, दूसरा एज ए टूल ऑफ मेजरमेंट, टूल ऑफ इवेल्युएशन, आपकी अप्रेजल, सॉरी, इवेल्युएशन इसके बेस पर, इसके अगेंस्ट होगी। अच्छा, जो अगर ब्रीफ में डिवीजन करनी हो इसको, प्रोफेशनल वैल्यू, क्वालिटी ऑफ टीचिंग, टीचर नॉलेज, टीचर्स बिलीफ एंड एक्शन, मेजर ऑफ क्वालिटी टीचिंग, ये बातें ब्रीफ में हो चुकी हैं। अच्छा, इन स्टैंडर्ड्स को 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग नीड्स, रिफ्लेक्शंस, एंगेजमेंट, पार्टिसिपेशन इन लर्निंग कम्युनिटी, इन बातों पर फोकस किया गया है। ये मैं बता दूं, यहां पर ये आप देख
देख सकते हो ये स्टेप्स जो शो किए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेप है लेवल वन टीचर, लेवल टू टीचर, लेवल थ्री टीचर एंड लेवल फोर टीचर। इसको स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, स्टेज फोर टीचर भी कहा जाएगा। ये जब जो अभी खड़े हुए हैं ये अभी एस्पिरेंट है, अभी टीचिंग प्रोफेशन में जाने की सोच रहे हैं, ठीक। तो जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उसका फर्स्ट एरिया जो है वैल्यू से रिलेटेड, ये फर्स्ट एरिया है, उसको भी बिगिनर टीचर लेवल वन टीचर, प्रोफिशिएंट टीचर लेवल टू टीचर, एक्सपर्ट टीचर लेवल थ्री टीचर एंड लीड टीचर लेवल फोर टीचर। ये फोर डिवीजन की गई है इस प्रोग्रेस डेवलपमेंट के लिए। तो जो स्टैंडर्ड फर्स्ट है फॉर एडी कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, फर्स्ट बात हो चुकी है, फर्स्ट एरिया है। फर्स्ट एरिया में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, प्रोफेशनल एथिक्स एंड वैल्यू, कमिटमेंट टू स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप, कमिटमेंट टू प्रोफेशन, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए ये फर्स्ट एरिया है कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। इट मीन्स अगर आप लेवल वन पर हो, टू पर हो, थ्री पर हो या फोर पर हो, आपको इनके अगेंस्ट इवेल्युएट किया जाएगा। मीन आपने इन जो स्टैंडर्ड्स हैं इनको अपने आप में डेवलप करना है, अपनी कॉम्पिटेंसीज में इनको रखना है। ये स्किल्स वैल्यूज आप में इनकलकेट होनी चाहिए। इनकलकेट हुई है कि नहीं हुई, इसकी इवेल्युएशन कैसे होगी आगे चल के बताता हूँ। फर्स्ट एरिया था कोर वैल्यू, इसकी चार डिवीजन में ये फर्स्ट बिगिनर टीचर लेवल, इस पर मतलब ये लेवल अचीव हुआ होना चाहिए। सेकेंड में प्रोफिशिएंट लेवल टीचर, ये लेवल अचीव होना चाहिए। थर्ड एक्सपर्ट टीचर लेवल, ये लेवल अचीव होना चाहिए। फोर्थ लीड टीचर। तो ये डिस्क्रिप्शन दी गई है, इस पर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, वीडियो इस पर डिफरेंट आ जाएगा। ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे फर्स्ट एरिया वो था, सेकंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एरिया, फैक्टर अफेक्टिंग स्टूडेंट लर्निंग, पेडागोजिकल नॉलेज, करिकुलम स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी यूज एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इसकी भी वैसे ही चार डिवीजन की गई है। ये स्टैंडर्ड आपको ऑब्जर्व करने हैं, इसके अगेंस्ट आपको इवेल्युएट किया जाएगा। थर्ड एरिया है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसीज एंड प्रैक्टिस, आपके लेसन प्लान, लेसन डिलीवरी, क्लासरूम कंपोनेंट एंड डायनेमिक्स, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, असेसमेंट ऑफ एज एंड फॉर लर्निंग, ठीक है। इसको भी चार डिवीजन की गई है, थर्ड लेवल पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेवल पर। और ये फोर्थ एरिया है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, लर्निंग नीड्स, रिफ्लेक्शन, एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन लर्निंग कम्युनिटी। तो ये चार एरियाज हैं, चार एरियाज को चार लेवल में डिवाइड किया गया है। आपको कैसे इनमें इनको डेवलप करना है और कैसे इसकी इवेल्युएशन होगी और कैसे आपकी प्रमोशन होगी, कैसे सैलरी डिसाइड होगी, ये आगे बात करते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस, न्यू ग्रेजुएट टीचर, ये जनरली जो होता है एस्पिरेंट हो आप, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, तो साथ में वो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेवल, फोर्थ, वो आप समझ चुके हो। अच्छा, न्यू ग्रेजुएट, आप सबसे पहले आप इच्छा रखते हो टीचिंग प्रोफेशन में जाना है और आपने एक NCTE के अप्रूव्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बैचलर डिग्री प्राप्त कर ली है, ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उसमें प्रोसेस में भी चेंजेस आने वाले हैं। दूसरा लेवल, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको ने बीएड कर लिया, बीएड करने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको हर हालत में करना होगा। कभी क्लियरली ये बात भी जान ले कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो इवेल्युएशन होगी, जो एग्जाम होगा, वो भी इन स्टैंडर्ड्स से प्रभावित होगा। मीन अब क्वेश्चन जो आएंगे आपको इन स्टैंडर्ड से प्रभावित होके आएंगे। थर्ड, फिर आप अप्लाई करते हो NCTE को, जहाँ उसके नॉमिनेटेड कोई एक्रीडिटेशन दी जाएगी कई एजेंसियों को स्टेट लेवल पर, तो उनमें आप अप्लाई करोगे फॉर रजिस्ट्रेशन।
इट मींस ये सीधा आप अगर कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड का आपने मॉडल देखा हो तो वहाँ एक सिंगल एजेंसी होती है जो आपको पहले रजिस्टर करती है। ऐसे ही इंडिया में अब रजिस्ट्रेशन होगी और एनसीटीई में, जहाँ एनसीटी ने जो एक्रेडिट एजेंसी बनाई है स्टेट लेवल पर, हर स्टेट में हो सकती है, उसमें रजिस्ट्रेशन होगी, जिसको नेशनल रजिस्ट्री ऑफ टीचर्स कहा जाएगा। जो बिगिनर टीचर हैं, शुरू वाले टीचर हैं, जिन्होंने बीएड वगैरह अभी कर ली है फॉर फाउंडेशनल स्टेज, नेक्स्ट यहां अप्लाई कर दिया आप, अप्लाई करने के बाद आपको एक्रेडिटेशन एजेंसी या स्कूल इंटरव्यू क्रेडेंशियल्स आपके असेस करेगा। क्रेडेंशियल्स मीन आपके एक्सपीरियंस, जो एजुकेशन जो ली है वो उस स्कूल के अनुसार फिट बैठती है, सूटेबल हो आप कैंडिडेट उस स्कूल के लिए, उस जॉब के लिए। अगर हो आप फिट तो आपको जॉब ऑफर की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि आप स्कूल ज्वाइन कर लेते हो। स्कूल ज्वाइन में क्या होता है, आपको फर्स्ट ग्रेड दिया जाता है टीच करने के लिए, ठीक, और साथ में आपका एक टीचर मेंटर होगा जो आपके साथ साथ काम करेगा और साथ साथ में आपको सुपरवाइज करेगा। इट मींस आपकी परफॉर्मेंस की अप्रेजल साथ साथ में होगी। वो किसके अगेंस्ट होगी, जो स्टैंडर्ड वन लेवल के पीछे डिस्कस करके आए हैं, स्टैंडर्ड जो फर्स्ट लेवल के टीचर के, बिगिनर टीचर के स्टैंडर्ड्स होंगे। तो सुपरविजन करने के बाद आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद, फॉर एग्जांपल एक साल के बाद आपको लगता है कि आपने काफ़ी स्किल डेवलप कर ली है और जो स्टैंडर्ड्स एनसीटी द्वारा दिए गए हैं उन पर आप अब पूरे उतर रहे हो, तो आप अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल मिनिमम वन ईयर के बाद कर सकते हो। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करवाने के बाद, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे होनी है आगे बताता हूँ। तो अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपके गैप्स हैं, आप में कुछ कमियाँ पाई जाती हैं, तो फिर आपको उसी लाइन पर आके आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स या प्रोफेशनल जो भी इंडिकेटर दिए जाएंगे वो ट्रेनिंग लेनी होगी। जब तक आप उन स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर जाते आपको नेक्स्ट टीचिंग लेवल पर नहीं भेजा जाएगा। ओके, अब आपने नेक्स्ट स्टेज पर, जैसे कैरियर स्टेज टू प्रोफिशिएंट टीचर पर जाना है तो कैसे जाओगे? आपका एक मिनट, ये स्टेप ठीक है, हाँ, चारों डिफरेंट स्टेप्स नहीं, आपको मैं समझाऊंगा। ये सेल्फ असेसमेंट, हाँ, यहाँ भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट लेवल अचीव कर लिया है, उसके बाद आप सोच रहे हो, जहाँ आपको 3 साल का टाइम दिया जाता है कि आप नेक्स्ट टीचिंग लेवल पर जाना चाहते हो, तो फिर आपको उन्हीं लेवल 2 या लेवल 3 जिस पर भी आप हो, उसके स्टैंडर्ड जो हैं दिए गए, पीछे 4 स्टैंडर्ड्स हैं, एरियाज हैं, उनके अगेंस्ट आपको इवेल्युएट किया जाएगा। इवेल्युएट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आपको, जब आप टीचिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू हैव टू कलेक्ट द एविडेंसेस रिगार्डिंग योर कॉम्पिटेंसीज कि आप स्किल्ड हो। फॉर एग्जांपल आपके लेसन प्लान्स हो सकते हैं, आपकी कम्युनिटी से जो अचीवमेंट है, कम्युनिटी से, स्कूल और कम्युनिटी के लिंक इम्प्रूव किए हैं, आपने एथिकल वैल्यू इम्प्रूव की है, आपने जो है बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिस दी हुई है, आपका इवेल्युएशन में कंट्रीब्यूशन किया है, तो सारी वो क्राइटेरिया के अनुसार आप एविडेंस साथ साथ में कलेक्ट कर रहे हो। जब एविडेंस कलेक्ट कर रहे हो तो उसका एक पोर्टफोलियो आप बनाओगे। पोर्टफोलियो में आपकी बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होंगे आपके काम के, टीचिंग के, लर्निंग के, इम्प्रूवमेंट के, प्रोग्रेस के, तो वो पोर्टफोलियो आप सबमिट करवाते हो इवेल्युएशन के लिए, किसको? सेल्फ असेसमेंट स्किल स्कैन प्रोफिशिएंट टीचर अवेलेबल ऑन एनसीटी पोर्टल। एनसीटी पोर्टल पर वो मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो ई पोर्टफोलियो भी बन सकता है, वो सबमिट कराते हो, आपकी इवेल्युएशन होती है। इवेल्युएशन होने के बाद ये देखा जाएगा कि आइडेंटिफाई द गैप्स इन कॉम्पिटेंसीज, क्या आप में कुछ कमियां हैं उस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अगर कमियां हैं तो आपको फिर दोबारा से कोई ना कोई ट्रेनिंग लेनी होगी। अच्छा,
अगर आप कहते हो कि मैंने फिर वो ट्रेनिंग ले ली है जहाँ मैं वो जो कॉम्पिटेंसीज हैं स्टैंडर्ड के अगेंस्ट डेवलप कर ली है, तो आपको 360 डिग्री पर एवेल्युएट किया जाएगा। 360 डिग्री एवेल्युएशन का मतलब है मल्टी रेटर फीडबैक, मल्टी सोर्स फीडबैक, मल्टी सोर्स असेसमेंट एज वेल एज सेल्फ असेसमेंट। दो बातें हैं, एक तो यहाँ पर ऐसे समझ लें, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये रहा ये जो हो गई असेसमेंट, असेसमेंट एक तो सेल्फ हो गई, ओके, एक फीडबैक फ्रॉम अदर्स। अब अदर्स में कौन कौन आ जाएगा, एक तो आपके कोलीग, ओके, पीयर्स लगा लो, पीयर्स, और दूसरा स्टूडेंट्स, तीसरा हेड, ओके, चौथा पेरेंट्स, इसमें कम्युनिटी भी शामिल हो सकती है। तो ये स्टेक होल्डर्स आ गए, जितने भी आपके प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हैं वो सभी से फीडबैक ली जाएगी। दिस इज 360 डिग्री इवेल्युएशन नोन एज, दिस इज बिगेस्ट चेंज इन इंडियन टीचिंग प्रोफेशन। अगर ऐसा हो जाता है, करप्शन है नहीं है, कैसे होता है, मैं कोई अभी तक कुछ नहीं कहता, लेकिन अब तक जो आइडियाज हैं ये आ चुके हैं, ये आइडिया जो प्रोग्रेसिव हैं एडवांस्ड कंट्री में ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं। आगे क्या चैलेंजेस आएंगे, आपको इस वीडियो के बाद सोचना शुरू कर देना चाहिए। अब वो थ्योरी वाला टीचर खत्म हो जाना चाहिए, ट्रांसमिशन वाला टीचर खत्म हो जाना चाहिए, और एक कंस्ट्रक्टिव टीचर सामने आना चाहिए। ये आप भी समझते हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे कैसे टीचर से पढ़े। ओके, अगर आपकी इवेल्युएशन पर आप पूरे उतरते हो तो देन यू अप्लाई, फिर आप अप्लाई करते हो जो पोर्टफोलियो अपना नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के पोर्टल पर आप फिर उसको सबमिट कराते हो। अगर आप उस पर फिर पूरा उतरते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफाई किया जाता है कि यू आर फिट फॉर लेवल 1 टीचर और लेवल 2 टीचर, लेवल 3 टीचर, लेवल 4 टीचर, जो पीछे बात करके आए हैं। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज आप आगे आगे चलते रहोगे। तो ये चेंजेस हैं मेजर, जो इसके अलावा कोई बात नहीं करनी मैंने, ये चेंजेस हैं। अब आपने सोचना है कि आप टीचिंग प्रोफेशन से किसी भी ढंग से जुड़े हुए हैं, बेशक आप बीएड करना चाहते हो, नंबर एक, बेशक आप बीएड को टीच करने वाले हो, टीचर एजुकेटर हो, नंबर तीन, बेशक आप टीचर से इन्फ्लुएंस्ड हो, पेरेंट हो, बेशक आप कम्युनिटी मेंबर हो, बेशक आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट हो, तो आप सभी का संबंध ये नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स के साथ है। अगर आपको लगता है कि आप को ये जो चेंजेस आने लगे हैं इनको और इम्प्रूव करना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो, तो आपके लिए 30 दिन दिए गए हैं, आप इन पर फीडबैक अपनी दे सकते हो। फीडबैक देने के लिए मेरे ख्याल में यहाँ पर होगा, एक मिनट, ये ईमेल एड्रेस होगा, एक मिनट, ये रहा, ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर आप अपनी फीडबैक दे सकते हो। तो मेरे ख्याल में इन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, अपने आप को वैसे टीचर जो वाइगोस्की ने कहा है, प्याजे ने कहा है, ब्रूनर ने कहा है, अल्बर्ट बांडोरा ने कहा है, तो बेसिक थ्योरिस्ट वही रहेंगे। उनके अनुसार जो हम पीटेट, सीटेट, यूजीसी नेट में टीच तो करते आ रहे हैं लेकिन अभी तक बन नहीं पाए, अगर ये जो प्लान किया जाता है इसमें से थोड़ा सा भी इम्प्लीमेंट हो जाता है, थोड़ा सा भी, तो इंडिया में चेंज आ सकता है।
डिपेंड करता है कि इम्प्लीमेंट कैसे होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की आस रखनी होगी। हाँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करूँगा, जो रियलिटी अब तक है कि ऐसे टीचर बनाने हैं, लेकिन मेरा तो दुख ये है इंडिया से, गवर्नमेंट से, कॉलेज से, एनसीटी से, कि टीचर जिसने बनना है वह टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आए तो सही, जब आएगा तो कुछ पाएगा, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये चैलेंजेस भी होंगे, ये बातें अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर कोई आपका क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।